गंडक वन में ही रहती है शुकनखा। इसी को मन कहा जाता है गंडक। इसी में वासना रहती है और इसी में भक्ति में वृत्ति भी रहती है, भावना भी रहती है। वासना प्रभु से दूर करती है, जैसा शूर्पणखा ने कर दिखाया है। भक्ति में भावना परमेश्वर से जोड़ रखती है। ये दोनों वृत्तियां हम सबके मनों में भी हैं। भगवान की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई है, अग्नि परिक्रमा हुई, बड़ी घनिष्ठ मित्रता। भगवान ने अपनी ओर से मित्र बनाया है, पर सुग्रीव को भक्त ही कहिएगा। मानो दो भक्त मिले हैं, एक हनुमान जी महाराज और दूसरे सुग्रीव। हनुमान जी महाराज के बारे में तो दो राय ही नहीं हो सकती, वह तो परम अनन्य भक्त हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, निष्काम भक्त हैं, निश्चल भक्त हैं, निष्कपट भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। सुग्रीव के विषय में थोड़ा सोचना पड़ेगा। है तो सुग्रीव भी भक्त ही, लेकिन ये ऐसा भक्त है जो भगवान के जब साथ होता है तो भक्ति की भावना बनी रहती है, और जैसे ही थोड़ा बाहर जाता है तो विषयों में रम जाता है, संसार में रम जाता है। अभी आपने देखा, जैसे ही उसको विजय प्राप्त हुई है, अपना काम उसका सद गया है, तो वह जाके महल में बैठ गया हुआ है। अभी लक्ष्मण जी महाराज गए हैं उसे याद दिलाने के लिए, कम आउट, बाहर आइएगा मेहरबानी करके, पर वह तो महल में चले गए। ऐसे भक्त को भी भगवान अपना के रखते हैं। हनुमान जी को तो कुछ नहीं कहा कि तेरे साथ मेरा संबंध क्या है, तेरे साथ मैंने संबंध जोड़ लिया है, कोई शब्द नहीं कहे। हां, तू तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगना प्रिय है, इतना कहा। सुग्रीव को क्या कहा है, तेरे मिलने से पहले हम चार थे, अब पांच। सुग्रीव जैसे विषयी भक्त को भगवान ने अपना भाई बना लिया, अब हम पांच हो गए, पहले चार थे अब पांच। इसी मित्रता के बलबूते पर सुग्रीव बाली को जाके ललकारता है, तारा समझाती है, लेकिन बाली समझते नहीं। जब अपने अति प्रिय कुछ समझाएं, अपने हितकारी परम हितकारी कुछ समझाएं और बात समझ में ना आए, तो समझ लीजिएगा कोई अनिष्ट होने वाला है। बाली के साथ भी ऐसा ही हुआ, तारा की बात नहीं मानी। इससे पहले कभी नहीं कहा उसने, अब मत लड़ो सुग्रीव से, ना जाने कितनी बार लड़ाई हुई होगी इससे पहले, लेकिन आज कहा है तो इसका कोई कारण विशेष होगा, जिस पर बाली ने कोई ध्यान नहीं दिया और चले गए और मर गए। राम ने मार दिया उनको, खत्म कर दिया। बाली उलाहना देता है, अभी मूर्छित पड़े हुए हैं, मरे नहीं, उलाहना देता है, प्रभु मुझे किस कारण मारा है। प्रभु राम कहते हैं, बाली तूने अपने छोटे भाई का राज्य भी हड़प कर लिया और उसकी पत्नी भी जो है वह छीन ली। बाली पूछता है, महाराज क्या यही कारण, इसी कारण से मुझे मारा है। राम कहते हैं, नहीं और कारण भी है, वह क्या है। प्रभु कहते हैं, तूने अपनी पत्नी तारा ने जो उपदेश दिया था उस पर भी ध्यान नहीं दिया। मानो तेरे अंदर अभिमान इतनी चरम सीमा पर चला गया हुआ था, और मैंने अवतार लिया है ऐसे दोनों पापों को दूर करने के लिए, ऐसे दोनों दुर्गुणों को दूर करने के लिए। जहां भक्चर और रामचरित्र की बात आती है, वहां यह कहा जाता है, जिसमें अभिमान आ जाता है राम उसका अभिमान नष्ट कर देते हैं, जो छोटा होता है उसकी लघुता को दूर कर देते हैं। भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं
मेरा अवतार, मैं उनको निर्भय कर देता हूँ। मेरा अवतार इन्हीं कारणों से हुआ है। जो अभिमानी व्यक्ति होता है, अपने आप को बड़ा मानने वाला होता है, उसको मैं संतुलित कर देता हूँ, उसका अभिमान नष्ट कर देता हूँ। और जो अपने आप को छोटा मानता है, लघु मानता है, उसकी लघुता की भावना जो है वह निकाल देता हूँ और उसे भी ऊपर ले आता हूँ, अपने जैसा या दूसरों जैसा, जैसे सामान्य व्यक्ति होते हैं। भाई अपने आप को छोटा ना मान, तेरा काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितने बड़ों का काम, तू किसी भी प्रकार से छोटा नहीं है। वानरों की तुलना उन्होंने अपने गुरु महाराज महर्षि वशिष्ठ से कर दी। अपने गुरुदेव को कहते हैं, महाराज आपके कारण और इन वानरों के कारण ही तो मैं रावण पर विजय प्राप्त कर सका। दोनों को एक जैसा मिला के रख दिया। जैसे गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं, वंदनीय पूजनीय जैसे वह हैं जिनकी कृपा काम करती है, वैसे ही वानरों के लिए भी कह दिया, आप दोनों के कारण ही विजय प्राप्त जो है वह हुई है। महाराज एक बात बताइए, आपने मुझे मार तो डाला, पर क्या मैं अभी भी पापी हूं? क्या व्यक्ति आपके सब सामने आ जाता है तो पापी रहता है? तो इसका अर्थ यह हुआ, यदि पापी समझ के आपने मुझे मारा है, अभिमानी समझ के मुझे मारा है और आमना सामना हुआ है महाराज, तो आपके प्रबुद्ध पर महाराज मुझे संदेह होता है। प्रभु मुस्कुराए, वाह, मुस्कुरा के उसके सिर पर हाथ रखा, तुम सदा जिंदा रहो। बाली को कहा, इसका अर्थ है महाराज मुझे अभी तक भी आपने माफ नहीं किया, अभी भी मेरे से रुष्ट हैं आप। अरे नहीं, मैं तो तुम्हें अमृतत्व का वरदान दे रहा हूं, तभी तो महाराज मुझे लग रहा है कि आप अभी भी मेरे से रुष्ट हैं। मेरे जैसी मृत्यु किसको मिलेगी प्रभु? मारते तो सबको आप ही हो, पर अव्यक्त रूप से दिखाई नहीं देते, और मुझे तो वह मारने वाला, सबको मारने वाला मेरे सामने खड़ा होकर मार रहा है। ऐसी मृत्यु महाराज मुझे कब मिलेगी? फिर दोबारा मिले ना मिले, अभी तो बहुत अच्छा है, मुझे अमृतत्व का वरदान दे रहे हैं आप, इसलिए लगता है महाराज अभी आपने मुझे क्षमा नहीं किया, आप मेरे से अभी रुष्ट हैं। नहीं नहीं, रुष्ट नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। भाई शरीर तुम्हें इसलिए दे रहा हूं, इससे तू मुक्ति प्राप्त कर सकेगा, इससे तू सेवा कर सकेगा, इससे तू भक्ति कर सकेगा, उसका प्रबंध मैंने कर रखा है प्रभु। बाली कहते हैं, मैं महाराज ज्ञान और भक्ति दोनों का आनंद लेना चाहता हूं, इसलिए तो मैं शरीर दे रहा हूं तुम्हें, तू ज्ञान का भी आनंद ले और भक्ति का भी आनंद ले। नहीं महाराज, अब इस शरीर के माध्यम से नहीं, आप तो महाराज परम ज्ञानी हैं, आपको तो पता ही है पुत्र जो है वह पिता का प्रतिनिधि होता है। अंगद की बाह पकड़ लीजिएगा, वह सेवा करेगा, और थोड़ा आगे आइएगा, मुझ में हिलने की हिम्मत नहीं है महाराज, अपने हाथ प्रभु के चरणों पर रख दिए और चरण जोर से पकड़ के रखे। मैं महाराज इनको नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं मर ना जाऊं, और आप अंगद की बाह नहीं छोड़िएगा, मेरे दोनों काम हो जाएंगे, भक्ति का आनंद भी मुझे मिल जाएगा और महाराज ज्ञान का आनंद भी मुझे मिल जाएगा, सेवा का आनंद भी मुझे मिल जाएगा, दोनों का आनंद मुझे मिल जाएगा, ऐसा ही बना के रखिएगा। दोनों का आनंद बाली जी महाराज ले रहे हैं, मेरे पुत्र अंगद की बाह पकड़ के रखिएगा महाराज, ये पकड़ेगा तो आप छुड़ा सकते हो, आप पकड़ोगे तो महाराज कोई माई का लाल छुड़ाने वाला नहीं है, पकड़ के रखना महाराज, ये आपकी सेवा करेगा, ये मेरा काम करेगा। आप ध्यान दें, प्रभु राम सुमेल शिला पर लेटे हुए, चार व्यक्ति वहां विराजमान हैं, सुग्रीव, विभीषण, अंगद एवं हनुमान जी विश्राम कर रहे हैं प्रभु।
अपना सिर जो है उन्होंने सुग्रीव की गोद में रखा हुआ है। मानो एक तरफ अपने सिर के पास सुग्रीव को बैठा रखा है, दूसरी तरफ भीष्म को बैठा रखा है। अंगद एवं हनुमान जी दोनों पांव की ओर बैठे हुए हैं और भगवान कह रहे हैं मैंने इन चारों को अपना पद प्रदान कर दिया। क्या किया है महाराज आपने? सुग्रीव को मैंने किष्किंधा का पद प्रदान कर दिया और भीष्म को लंका का। ये दो सामने के भक्त बैठे हुए हैं, मेरे चरणों में अपना पद दे दिया है। तारा आती है, विलाप करती है। भगवान पहले बाली को उपदेश देते हैं, अभी चर्चा आपने पढ़ी है, तारा को उपदेश देते हैं, उसके बाद क्या होता है वह सब आपने पढ़ ही लिया है। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। चरणों में है आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज रामायण जी का पाठ किष्किंधा कांड से आरंभ हुआ था, तीसरे सर्ग से। सुग्रीव भी बिल्कुल लगता है हमारे जैसा ही परमात्मा का भक्त है, जैसे हमें परमात्मा को अपनी याद दिलाने के लिए, अपना काम याद दिलाने के लिए बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से आज सुग्रीव के पास भी लक्ष्मण जी महाराज को भेजा है। जाओ उन्हें याद दिला के आओ मेरी एवं मेरे काम की, जिस काम के लिए उन्होंने मेरे साथ संधि करी हुई है वह उस काम को भूल गए हुए हैं, जाओ याद दिला के आओ। लक्ष्मण जी महाराज तो साक्षात काल हैं, उनके पास तो साक्षात काल को भेजा है, हमारे पास याद दिलाने के लिए कोई छोटा मोटा रोग, सिर पीड़, दर्द इस प्रकार की, पेट की दर्द, कोई छोटा मोटा मुकदमा, कोई इधर से कोई अपमान हो गया, आज व्यापार में कोई हानि हो गई, इस प्रकार के ढंगों से परमात्मा याद दिलाता रहता है मुझे भूलिएगा मत, मुझे याद रखिएगा। ये उसके अव्यक्त ढंग हैं, अदृश्य ढंग हैं अपनी याद दिलाने के लिए एवं अपना काम याद दिलाने के लिए। सुग्रीव के पास लक्ष्मण जी महाराज गए। सुग्रीव ने तत्काल लाखों की संख्या में वानर सेना को बुलाया है और सबको लेके भगवान राम के श्री चरणों में सबके सब पहुंच गए हैं। हम उपस्थित हैं महाराज आपकी सेवा के लिए, जो भूल चूक हुई है उसे क्षमा कीजिएगा। ये फिर हमारी तरह का ही साधक है बेचारा, जिस वक्त सामने आता है तो उस वक्त क्षमा याचना कर लेता है, मीठी बात भी कर लेता है, उसके बाद फिर जरा पीठ फिरी और फिर उसके बाद संसार में जाके धस जाता है। पर परमेश्वर का स्वभाव है जिसे वह अपना लेता है उसके पास वह उसके साथ वह पक्का पक्षपाती हो जाता है, फिर उसका दोष उसे कोई दिखाई नहीं देता, पक्का ओपन पक्षपाती बन जाता है परमात्मा जिसको वह अपना लेता है। सुग्रीव को अपना लिया है। आप सोचते हो जो गलती बाली ने करी जिसके कारण बाली को सजा मिली, क्या बाद में सुग्रीव ने वह गलती नहीं करी? करी, लेकिन उस बेचारे को कोई सजा नहीं थी, उसे अपना लिया हुआ है। ओपन पक्षपात करता है परमात्मा, सबके सामने पक्षपात करता है, और यदि करे भी ना तो भक्ति संप्रदाय चले कैसे? ये तो उसे करना ही पड़ेगा, तभी तो भक्ति का संप्रदाय जो है वह चलेगा, नहीं तो कोई इंसान भक्ति कौन करेगा, कौन अमृत पानी पड़ेगा, कौन राम राम जपेगा, कौन श्री राम श्रम जाएगा, सर्दी गर्मी में क्या करना है जाके, यदि परमेश्वर का पक्षपात ही जो है वह हमें प्राप्त नहीं होता, उसका प्यार, उसका दुलार, उसका वात्सल्य, उसकी कृपा यदि हमें उपलब्ध नहीं होती तो क्या करना है हमें इन स्थानों पर जाके, क्या करना है संतों महात्माओं के पास जाके। कल करेंगे भक्तजनों चर्चा इस बात की। आज सुग्रीव जी आ गए हैं प्रभु राम के पास। प्रभु राम ने कहा है मुझे तो कुछ पता नहीं है सुग्रीव, आप ही सब कुछ जानते हो, इस इलाके का क्या हिसाब किताब है मैं नहीं जानता, सेना भी आपकी है, किस प्रकार का आपने काम लेना है आप जानो, आप संभालो काम को। तो सुग्रीव जी महाराज चार छोटे छोटे दल बनाते हैं, एक को पूर्व दिशा में भेज देते हैं, एक को पश्चिम दिशा में भेज देते हैं,
एक को उत्तर दिशा में भेज देते हैं, एक दल बाकी बचा है जिसमें हनुमान जी महाराज हैं, जामवंत जी हैं और अंगद और भी होंगे साथ, इनको दक्षिण दिशा में भेज देते हैं, आप लोग दक्षिण दिशा में जाइएगा। प्रभु राम हनुमान को देखते हैं तो उनके कार्य कौशल से अति प्रसन्न है प्रभु। बात तो बहुत चीत नहीं हुई उनके साथ, एक दो मुलाकात ही हुई है, लेकिन प्रभावित हैं, इंप्रेस्ड हैं भगवान हनुमान जी महाराज से। इसलिए इस विश्वास से ये व्यक्ति काम का है, ये कुछ ना कुछ काम करेगा, या यूं कहिएगा भगवान उससे अपना कुछ काम करवाना चाहते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे समझ लीजिएगा। इसलिए उसे नामांकित अंगूठी अपनी जो है वह दे देते हैं। मानो नामांकित अंगूठी राम लिखा हुआ है, मानो महाराज श्री ने हनुमान जी महाराज को दीक्षा दे दी राम नाम की, अब राम राम जपते जाइएगा। जिस कार्य के लिए जा रहे हो आप राम राम जपते जाइएगा, और वह हनुमान जी महाराज अंगूठी को अपने मुख में डाल लेते हैं। इसका तात्पर्य भी यही है कि वह राम नाम जपते हुए जा रहे हैं। आज तीसरे साधक की साधना आरंभ हुई है। दो साधकों की साधना आप पहले देख चुके हुए हो, आज एक तीसरे साधक की साधना का शोभा आरंभ होता है। ये किस मार्ग से चलते हैं कृपया ध्यान दें, हैं तो ये भक्ति मार्ग के अनुयायी, हैं तो ये शरणागति के अनुयायी, हैं तो ये समर्पण मार्ग पर चलने वाले, पर अभी भगवान का सीधा समर्पण स्वीकार नहीं करने जा रहे और ना ही ये स्वयं समर्पण करने जा रहे हैं, इसलिए साधना के मार्ग पर चल रहे। लौटेंगे तो प्रभु राम इनसे पूछेंगे, हनुमान जाते वक्त की यात्रा में और लौटते वक्त की यात्रा में क्या कोई तुम्हें अंतर दिखाई दिया? हाँ महाराज, जाते वक्त तो मैं साधना के मार्ग से गया था, इसलिए कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग था। आती दफा मैं कृपा के मार्ग से आया हूं, कोई कठिनाई नहीं, सब निर्विघ्न आया। अब शरणागति की बात आएगी, अब सरेंडर की बात, समर्पण की बात अब आएगी। प्रश्न उठता है भक्तजनों, हर कोई कहता है, ठोक बजा के कहता है, परमेश्वर की कृपा ही सर्वे सर्वा है, परमेश्वर की कृपा ही सर्वो सर्व, सर्वे सर्वा, सर्वोपरि है परमात्मा की कृपा। आप किसी से भी पूछ के देख लो, अनजान से लेके और जो बहुत जानबूझ वाला है उससे भी पूछ के देख लिया, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को, परमेश्वर की कृपा ही सर्वे सर्वा है, वह सर्वोपरि है। भले ही उसने अनुभव किया है या नहीं किया, पढ़ी पढ़ाई बात ही बेशक कह रहा हो आपसे, लेकिन कहेगा हर कोई साधना का क्या स्थान है यदि परमात्मा की कृपा ही सब कुछ है, तो साधना का क्या स्थान है? किस लिए साधना करने की आवश्यकता है? किस लिए नवरात्रि के लिए यहां पर आए हुए हो? दलिया इत्यादि खा के अपना निर्वाह कर रहे हो? इतने इतने लोग एक कमरे में पड़े हुए, डबल बेड पर अकेले सोने वाले, 15-15 इकट्ठे सो रहे हैं एक कमरे में, आखिर क्या अभिप्राय है इसका? क्या आवश्यकता है ऐसी साधना की? संत महात्मा कहते हैं, परमेश्वर की कृपा सर्वे सर्वा है, परमात्मा की कृपा सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि। इसे जानने के लिए साधना की आवश्यकता है। ये बात इतनी जल्दी हमारे दिमाग में घुसती नहीं, मैं लाख कहता रहूं और लोग आपको भी शक कहते रहें, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है? साधना का क्या स्थान है? यही स्थान है साधना। साधना इसीलिए करनी आवश्यक है कि आप जान सको कि परमात्मा साधना से नहीं मिलते, परमात्मा अपनी कृपा से मिलते। बुद्धिजीवी प्राय कहते हैं, यदि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े वकील इत्यादि जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, अपने आप को बड़े मेधावी समझने वाले लोग हैं, प्राय प्रश्न पूछेंगे, यदि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है तो ये परमात्मा ने इस खोपड़ी में कुछ थोड़ा थोड़ा पीले रखा हुआ है, ग्रे मैटर इसलिए भर रखा हुआ है इतना सा। संत महात्मा समझाते हैं, भाई शांत हो, वो ये जो इतना सा ग्रे मैटर, इतनी सी बुद्धि, अल्प बुद्धि जो दी हुई है ना,
ये सिर्फ इसीलिए दी हुई है कि तुम जान सको कि यह बुद्धि निरर्थक है, किसी काम की नहीं है। कैसे जानो? इसीलिए परमात्मा ने यह बुद्धि इतनी सी दे रखी है ताकि आप ये जान सको। अरे महाराज, अपनी बुद्धि पर भरोसा न करो, ये तो अति दुर्बल है, अति निर्धन बुद्धि है, ये किसी काम की नहीं है परमात्मा की बुद्धि के बिना। यदि ये परमात्मा की बुद्धि के साथ युक्त नहीं होती तो बिल्कुल बेकार गरीब बुद्धि है ये। पैसे का गरीब होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है आदमी पैसे का गरीब, यदि बुद्धि का गरीब है तो वह सर्वनाश को प्राप्त होकर रहेगा, वह परमात्मा की ओर नहीं मुड़ सकेगा। ये प्रायः इस प्रकार की बातचीत पूछी जाती है। चले गए हैं हनुमान जी महाराज अपने दल के साथ और लोग अपनी अपनी दिशा में चले गए। सुंदरकांड का आरंभ होता। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो नाम भजन में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सब का सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में, भला बुरा सब का सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में, प्रेम नगर रैन हमारी, प्रेम नगर में रैन हमारी, भली बनी आए सुबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। हाथ में कूनी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, हाथ में कूनी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, आखिर ये खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में,
लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी।